सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शुक्रवार को अनुमंडल प्रशासन के नेतृत्व में प्रखंड के कई स्थानों कच्ची शराब बनाने वाले स्थानों पर गहन छापेमारी की गई। इसमें डीएसपी गणपति ठाकुर, त्रिवेणीगंज थाना अध्यक्ष संदीप कुमार सिंह, एसआई पल्लवी कुमारी छापेमारी के दौरान मौजूद थे। सघन छापेमारी के दौरान एसडीओ ने थाना क्षेत्र के बड़कुड़वा एवं मटकुड़िया में करीब 400 लीटर कच्ची शराब एवं कच्ची शराब बनाने वाले बर्तन सहित को मौके पर नष्ट कर दिया है। हालांकि छापेमारी में शराब का कारोबारियों भागने में सफल रहा। एसडीओ एसजेड हसन का ने बताया कि शराब कारोबारियों में सम्मिलित लोगों को किसी भी सूरत पर बख्शा नहीं जाएगा। इस कारोबार में जो भी लोग सम्मिलित हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मौके पर डीएसपी गणपति ठाकुर ने कहा कि शराब कारोबारी पर लगाम लगाने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और पकड़े जाने पर जेल भी भेजे जा रहे हैं। छापेमारी की गई है यहाँ पे बरकुरबा संगंडी नदी के पास। हम लोगों ने वहाँ पे डिस्ट्रॉय किया है कच्चा माल, लगभग 150 लीटर उधर हुआ है। और उसके बाद मटकुरिया में सूचना के आधार पर छापेमारी की गई है, लगभग 500-600 लीटर कच्चा जो खेत में और सरकारी सड़क के किनारे पर बरामद किया गया और कुछ तैयार माल भी प्राप्त हुए हैं और कांड दर्ज किया जाएगा। यहाँ पे जो संदिग्ध हैं और जिनके घर के पास मिला है तो उसके विरुद्ध में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और ये सतत छापामारी चलेगी साप्ताहिक पूरे अनुमंडल। सर कारोबारी भी अरेस्टिंग हुआ है। ये थी हमारे संवाददाता मोहम्मद नाजिर आलम की रिपोर्ट सुपौल से।